उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे में यूपी के दौरे पर हैं और रविवार को वो रायबरेली पहुंचेंगी, जहां रात 9:30 बजे तक कांग्रेस नेताओं संग कई बैठक करेंगी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में यूपी चुनाव को लेकर की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि इससे पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रही ऋतु सिंह ने शनिवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। ऋतु सिंह इसी साल जुलाई में ब्लॉक प्रमुख को चुनाव के दौरान अपनी प्रस्तावक अनिता यादव के साथ में हाथापाई को लेकर चर्चा में आई थी, तो वहीं काफी दिनों से सपा से नाराज चल रही थी। ऐसे में अब कांग्रेस ज्वाइन उन्होंने कर ली है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी निहाल पांडे इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निहाल, देखिए एक तरीके से जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, सभी जो मजबूत दावेदार पार्टियां हैं अपने अपने ओर से नई स्ट्रैटेजी बना रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो पूरी जान फूंक दी है यहां पर महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। रायबरेली में कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन आज उनका है, क्या महत्वपूर्ण आज पूरे दिन भर में कार्यक्रम रहेगा निहाल, बताएं जानकारी। जी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव जी हेलो जी 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 आपको बता दूं 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसी को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। अगर बात करें कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी आज रायबरेली का दौरा है, जो कुछ थोड़ी देर बाद वो कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी और कई रणनीतियों पर और मुद्दों पर चर्चा करेंगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।